दोस्तों ये जो आदमी होते हैं ना, ये जो लाइनों पे काम करते हैं, देखिए कितनी सर्दी में ये काम करें, इनको सलूट है यार। ओ तेरे लिए कमाद बीजिया, ओ गन्ने चुप के जाही ही मुट्टे यारे, ओ तेरे लिए कमाद बीजिया। तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं इस टाइम लुधियाना जंक्शन पर, और पीछे वाली जो वीडियो थी वो हमने यहीं पेंट करी थी, और एक और जर्नी के लिए मैं रेडी हूं। आप पीछे देख सकते हैं खूबसूरत लुधियाना जंक्शन की बिल्डिंग, और हमारी आज ट्रेन जर्नी है 1330 इसलिए क्योंकि 0 हट चुके हैं, इसलिए बार बार अभी चढ़ा हुआ थोड़ी देर के लिए तो मुँह में आता है, बट 0 हट चुके हैं और सारी की सारी फेस्टिवल ट्रेन कोविड स्पेशल के तौर पर चल रही हैं। आज की हमारी जो गाड़ी है वो है गंगा सतलुज एक्सप्रेस, जो कि चलती है फिरोजपुर और धनबाद के बीच। हम इसको बोर्ड करने वाले हैं लुधियाना जंक्शन पर। अब खाना लाया हुआ घर से, वो पहले देखते हैं अंदर जाके कि एक लोकेशन अच्छी सी साफ़ सुथरी, वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं और फिर बाकी सारी बातें करते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इतना ज़्यादा क्राउड है कि हमें किसी भी जगह पर कोई भी सीट नहीं मिली, तो एट लास्ट आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर हम खाना वाना खाने लगे। करेले की सब्ज़ी और चपाती है, और जो आपकी भाभी है वो बिल्कुल ही मूड में नहीं है कैमरा के सामने आने में, खाने में व्यस्त है। तो अभी हमारी गाड़ी से पहले यहाँ पे 12030 मतलब अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी गुजरेगी, उसका अराइवल डिपार्चर लेते हैं और खाने के दर्शन करा देते हैं आपको। ये देखिए सब्ज़ी भाई एकदम डिलीशियस है, और आज का हमारा यही डिनर है, इसके बाद अपन कुछ भी नहीं खाएँगे, कोशिश करेंगे अपनी चाय पीने की, और अगर मौका मिला तो छोले भटूरे ज़रूर खाएँगे अम्बाला के। फिलहाल ये निपटाते हैं, अराइवल डिपार्चर देखते हैं शताब्दी का, और फिर अपनी गाड़ी में बोर्ड करते हैं। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से 10 मिनट लेट निकल रही है शताब्दी 12030, और हमने खाना वाना निपटा के चाय का समय हो चला है। अब चाय पीने के बाद हम जाएंगे भाई टॉयलेट, और वहां पे थोड़ा रिलीज़ होंगे, उसके बाद सीधा करेंगे गाड़ी में बोर्ड पर। अभी हमारी गाड़ी आने में समय है, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं तब तक, और कुछ इंस्टाग्राम पर अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। दोस्तों सामने आ चुके हैं चंडीगढ़ से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसका ब्लॉग मैं कर चुका हूं, बट मैंने किया हुआ अमृतसर से लेकर चंडीगढ़, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बच्चे साइड पे हो जाओ बच्चे, छुट्टियां ना।
आई कैन नॉट बिलीव दिस क्राउड। दोस्तों यहाँ पे हम लेट हो चुके हैं लुधियाना जंक्शन पर 6 मिनट, 8:05 का हमारा डिपार्चर था और अभी टाइम हुआ 8:11। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग कहने के भी हालात में नहीं हूँ मैं, इतनी सुस्ती छाई हुई है। रात में जब लुधियाना से गाड़ी निकली तो इतना क्राउड हो चला था गाड़ी में कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद खन्ना के पहले पता नहीं कौन से स्टेशन पे गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही, और अभी मुझे सीरियसली नहीं पता कि हम टाइम से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फिलहाल हम शाहजहांपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर ले रहे हैं और खन्ना निकाल दिया, मंडी गोविंदगढ़ निकाल दिया, सरहंद निकाल दिया, राजपुरा निकाल दिया, अम्बारा निकाल दिया। सोचा था कि चलो कोशिश करेंगे सारे छोटे स्टेशन छोड़ के कवर करेंगे अम्बाला, बट भाई साहब नींद और वाइफ साथ में है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अगर रात को 11-12 बजे उठ के स्टेशन कवर करूँगा तो उनको लगेगा कि पता नहीं कौन सी काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, मुंह भी नहीं धोया, शाहजहांपुर तो निकल गया बट आगे वाले स्टेशन लखनऊ तक अच्छी तरह कवर करेंगे। अंजी शाहबाद और सामने जो ट्रेन खड़ी हुआ है डिब्रूगढ़ लालगढ़, और एक गाड़ी इसको ओवरटेक कर रही है। तो डिब्रूगढ़ लालगढ़ को ओवरटेक करके गाड़ी गई है और हमारी गाड़ी का यहाँ पे स्टॉल्ड है 2 मिनट का, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं और हमने भी सीट खोल दी है, मैडम यहाँ पे बैठी हुई नीचे। यहाँ से डिपार्चर होने के बाद हमारी गाड़ी रुकेगी हरदोई और वहाँ पे हम चाय नाश्ता करेंगे, कोशिश है। दोस्तों हमारे जो डिपार्चर है वो शाहबाद से शुरू हो चुका है बट मुझे लगता है अवध असम जो कि सामने खड़ी है इसको भी और ओवरटेक पड़ने वाले हैं, पर दूर से ये गाड़ी कितनी सुंदर लग रही है और कितना लंबा ये आती है डिब्रूगढ़ से लालगढ़ राजस्थान में।
और हमारी गाड़ी के आगे है WDP4D जिसकी हमिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमारी गाड़ी जो है 130 चलती है फ्रॉम DDU2 धनबाद जंक्शन तक, बाकी पूरे रूट पे इसका 110 ही रहता है। हाँ जी शाहबाद, रात को मैं नींद की बात करूं अगर तो नींद तो ज़बरदस्त आई, बट जब इस गाड़ी में पुलिंग होती है ना, जब गाड़ी निकलती है स्टेशन से, तो इतना झटका लगता है कि भाई साहब जितनी बार भी झटका लगाया ना, जितनी बार गाड़ी रुक के चली है उतनी बार मेरी नींद खुली है। बाकी नींद स्लो गाड़ी जितनी हो ना उतनी अच्छी नींद आती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और अच्छी खासी नींद मैंने ली है। इसके जो पीछे वाला दिन था मंगलवार, और हमने ट्रैवल शुरू किया था कल बुधवार, मतलब 24 नवंबर, और जो मंगलवार की रात थी तब भी मैं नहीं सोया था और पूरा दिन भी नहीं सोया, तो वो नींद तो तगड़ी आ रखी थी। पर तेरे लिए कमाद बीजया, पर गन्ने चुप के जाही ही मुट्टे आरे, पर तेरे लिए कमाद बीजया। दोस्तों ये जो आदमी होते हैं ना, ये जो लाइनों पे काम करते हैं, देखिए कितनी सर्दी में ये काम करें, इनको सलूट है यार। तो दोस्तों ये है टोडारपुर और बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है आप देख सकते हैं, और हमारी गाड़ी को यहाँ भी हल्का कर दिया गया, मुझे लगता है रोक ही दिया जाएगा, बड़ा खज्जल कर रहे हैं भाई। तो ये है हमारा B2, इसके आगे तकरीबन 4 कोचेज जो हैं वो हैं सेकंड सिटिंग के, और सामने आप क्राउड देखेंगे सेकंड सिटिंग का कितना यहाँ पे ट्रेन से उतर है भाई साहब, कम से कम 200-250 लोग। और हमारे पीछे है B1 और उसके पीछे है एक A1 मतलब सेकंड AC, और उसके पीछे 8 स्लीपर के कोचेज हरदोई। दोस्तों हरदोई जो है वो इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, बट बहुत सारे ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है, मोस्टली जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं यहाँ पे नहीं रुकती, मुझे लगता नहीं है कि अर्चना यहाँ पे रुकती है, बाकी बेगमपुरा तो नहीं रुकती, और स्लो ट्रेनें हैं जो मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं वो यहाँ पर रुकती है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से चलेंगे, उसके बाद एक और स्टेशन कवर करेंगे, फिर आएगा हमारा लखनऊ, और अभी हम 1 घंटा 10 मिनट की देरी से चल रहे हैं। और हरदोई में आपको मोस्टली चाय मिलेगी, ये हमारी ट्रेन के लोग हैं जो बाहर ब्रश वगैरह कर रहे थे, और देखिए कितने लोग हैं और कितना कितना लगेज लेके लोग ट्रैवल करते हैं यार, मानना पड़ेगा। बलमाऊ जंक्शन, लड़िया कर लाइक करा।
तो दोस्तों इंग्लिश में तो मैं बोल रहा था बलमाऊ और बालामाऊ, और 70 किलोमीटर दूर है हम अभी लखनऊ से, तकरीबन 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। वैसे अभी 45 मिनट हम लेट चल रहे हैं, और ये हरियाली ज़बरदस्त, और ये टाइम भी है खेतीबाड़ी का, तो मोस्टली जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है खेतों में। तो मैंने भी ना ही ब्रेकफास्ट किया है और ना ही मैं फ्रेश हुआ हूँ, और तो भाई सीधा होटल में जाके ही, चलिए सीधा आपको मिलते हैं लखनऊ में। सो राइट नाउ वी आर इन काकोरी, और यहाँ से 8 किलोमीटर है आलमनगर, और आलमनगर से 8 किलोमीटर है लखनऊ, तो वी आर काइंड ऑफ 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लखनऊ चारबाग। और काकोरी में हमें मिल गया है रेड सिग्नल, और जैसे रेड सिग्नल होता है ना, ये आगे देखिए जनरल डब्बे के सारे लोग दुनिया भी बाहर, और स्लीपर वाले भी सारे बाहर, एसी वाले बैठे हुए हैं। और अभी भी हम 15 किलोमीटर दूर हैं लखनऊ, अगर राइट टाइम पहुंच जाए तो अच्छी बात है, पर अभी हम हो चुके हैं 35 मिनट लेट। तो दोस्तों काकोरी में एक कांड हुआ था, अंग्रेज़ों की ट्रेन यहाँ पर लूट ले गई थी, हमारे जो सिपाही थे ना, देश के सिपाही जिन्होंने देश आज़ाद कराया, यहाँ पर बहुत फेमस कांड हुआ है काकोरी कांड। एक पूरी की पूरी अंग्रेज़ों की ट्रेन जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना वगैरह था वो यहाँ पे लूट ली गई थी। आप काकोरी कांड लिखेंगे ना गूगल पे जाके तो आपको पूरा ऐतिहासिक ये मामला पता चल जाएगा। वैसे हमारा भी पर्चा जहाँ से शुरू हो चुका है, और तकरीबन 5:30 बजे निकली थी अर्चना सुपरफास्ट, जो कि चलती है जम्मू तवी और पटना के बीच, वो हमारे साथ साथ ही पहुँचेगी लखनऊ। हम 6 बजे निकले हैं लुधियाना से, और वो 5:30 निकली है जम्मू से, फिर भी वो हमारे साथ साथ पहुंच रही है, क्योंकि भाई साहब वो सुपर फास्ट है। अब मैं भी उसमें देख रहा था अवेलेबिलिटी थी, पर जब 15 दिन पहले मैंने इसमें जगह बुकिंग करी थी ना, तो वो वाली जो टिकट थी वो 1700 में थी, ये वाली टिकट 1100 में थी, तो वो तो फेस्टिवल थी, अभी नॉर्मल है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सेवा तो बहुत लंबी होने वाली है। बहुत लंबी थी, उन्होंने बाय बोल दिया एक बारी। ऐसा भी ये लखनऊ में जो गाड़ियां लेने का सिलसिला है ना, ये पता नहीं कब ठीक होगा। 1 घंटा और 20 मिनट हमें सिर्फ आलमबाग से लेके लखनऊ चारबाग तक लगे हैं। फाइनली वी हैव अराइव्ड लखनऊ चारबाग, और ये रही हमारी गाड़ी जिससे बहुत सारी सवारियां उतर चुकी हैं, और बहुत सारी सवारियां ऑन बोर्ड होने वाली हैं। दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी जो अभी पहुंची है, और वो रही अर्चना एक्सप्रेस जिसका अभी अभी अराइवल हुआ है। तो दोनों गाड़ियां सेम टाइम पे, पर तकरीबन आप मान के चलिए कि 4-5 घंटे का सफ़र है जम्मू से लुधियाना, और टाइम लगा है बिल्कुल सेम। सो दोस्तों
हमारी जर्नी हो चुकी है ख़त्म और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा अपने होटल रूम में। तो जर्नी ठीक ठाक थी, बस थोड़ा जब लेट हो जाती है गाड़ी तो मूड थोड़ा साफ़ हो जाता है। और हमें हमेशा की तरह यहाँ पे मिले हैं नरेंद्र भाई, एक्सप्रेस जर्नी वाले, उन्हीं के साथ आज हम मतलब घूमेंगे फिरेंगे, आज ही नहीं कल भी परसों भी, और उसके बाद जितने भी ब्लॉग्स आएंगे आपको लखनऊ के ही आएंगे खाने पीने के, उसके बाद फिर से ट्रेन जर्नी शुरू होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके पक्का बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद। मैडम आप भी बाय बोल दो ऐसे करके, कैसे ऐसे, चलिए मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।